सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प द द द द नी 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 सा 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 नी 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 द द द द प प प प म म म म ग ग ग ग रे 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 सा 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 आ सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प ध ध ध ध नी 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 सा 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 नी 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 द द द द प प प प म म म म ग ग ग ग रे 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 सा 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 सा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वर आलय म्यूजिक। बहुत ही सुंदर अलंकार है ये, खासकर बिगनर्स के लिए, सुर साधने के लिए ऐसे अलंकारों का रियाज करना बहुत जरूरी है। इससे कई एक फायदे होते हैं, एक तो हमारा स्वर सत्ता है, दूसरा जो हमारी फिंगर्स का जो चलन होता है, मूवमेंट्स होता है कीबोर्ड्स के ऊपर, वो उसमें तेजी आती है, और तीसरा फायदा इससे हमारा गला मधुर बनता है। कैसे बजाना है इस अलंकार को, एक एक नोट को फोर फोर टाइम लेना है, जैसे सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म प प प प ध द ध द नी 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 सा 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 नी 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 द द द द प प प प म म म म ग ग ग ग रे 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 सा 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 सा। बिल्कुल अंगुलियों को एकदम से ठाक 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 उठा उठा करके लेना है। उसके बाद में जब हम सरगम में रियाज करने के बाद इसका आकार में रियाज अवश्य करें, क्योंकि असली फायदा जो होने वाला है वो आकार के रियाज से ही होता है। क्योंकि कोई गीत जो हम गाते हैं वो सारे गामा पाधा नी तो नहीं आता है, ऐसे शब्द उसमें आकार में जरूर आता है, आलाप भी आकार में किया जाता है। फिर इसको आकार में कैसे करेंगे, जिस नोट पर जाएं उसी नोट के साथ में अपने गले को मैच करें, मिलाएं। चाहे आप आकार में गा रहे हो तभी भी मिलाना है, सारे गामा के रूप में गा रहे हो तभी भी मिलाना है। दोस्तों बहुत अच्छे से रियाज करें इसका। यदि आप बिगनर्स हैं तो अलंकारों का रियाज आपको करना ही होगा, अलंकारों के बिना कुछ भी नहीं है। बाद में जब आप गाना बजाना भी सीख जाएंगे, गाना निकालने लगेंगे, और यदि आपने अलंकारों का रियाज नहीं किया होगा तो आपको परेशानी होगी आगे चल करके, क्योंकि जो सरगमें बजानी है गीतों के बीच बीच में, एक म्यूजिक धुन बजाना है अपने मन से प्ले करनी है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे यदि आपने सरगमों का रियाज नहीं किया और अलंकारों का रियाज नहीं किया है ढंग से। दोस्तों मेरा वीडियो इतना ही है, यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले टाइम पर आप विजिट कर रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरह के आप वीडियो देखते रहें। बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दें, घंटी दबा दें, ताकि मेरे अपलोड होने वाले फ्यूचर वीडियोस आपको नियमित रूप से मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ होगा।